Shukrana Guruji, I'll continue with my vocal cords satsang now again. So yeah, so the doctor is telling me ki aapne apni vocal cords ko bahut zyada abuse kar diya hai. And I am andar se praying ki bas kuch bahut major na ho Guruji, bacha lena. I just hope nothing major. And then he tells me ki aapka bilkul us point pe hai jahan pe like bilkul bach gayi hai aapki vocal cords. To shukar manao kyunki jis hisab se aapne aapki halat hai, banti to surgery hai, but अभी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है. लेट्स जस्ट ट्राई टू यू नो लेट्स जस्ट ट्राई अनदर वे. और अनदर वे में कोई मेडिकेशंस नहीं है, कुछ नहीं है. इट इज़ जस्ट दैट यू हैव टू बी क्वाइट. आपको चुप रहना है और आपको बिल्कुल बात नहीं करनी है फॉर द नेक्स्ट 10 days. एंड आई एम लाइक व्हाट 10 days, लाइक यू नो 10 days बात नहीं करनी है, ये मतलब इज इट लाइक इवन पॉसिबल. एंड देन द डॉक्टर इज टेलिंग मी आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए यू नो बट 10 days यू हैव टू बी क्वाइट. या तो आप चुप रह लेना या फिर यू नो आवाज़ खो दो अपनी, बिकॉज ऑलमोस्ट तो खो ही चुकी है. एंड आई एम लाइक ओके. ही सेड सर्जरी के लिए आई विल नॉट रेकमेंड, बिकॉज अगर सर्जरी करनी पड़ी इट इज़ गोन बी अ वेरी मेजर सर्जरी. और सर्जरी बींग अ डॉक्टर आई एम टेलिंग यू कि नहीं करानी चाहिए. यू नो दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी कि यू शुड नेवर गो फॉर अ सर्जरी क्योंकि इसकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और वो इट्स नॉट गुड यू नो फॉर योर सिस्टम, फॉर योर ओन थ्रोट एंड वोकल कॉर्ड्स एंड स्टफ. तो आई सर ओके. एंड अगेन ऑब्वियसली एक शुक्राना निकलता है गुरुजी के लिए कि शुक्राना गुरुजी, थैंक गॉड सर्जरी की नौबत नहीं है और ना ही आए तो बेटर है. मैं कोशिश करूँगी 10 दिन चुप रहने का, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल है. सो यू नो अगेन गुरुजी को अपनी संगत के बारे में सब पता है. सो ही न्यू कि मेरे जैसा बंदा 10 दिन मतलब 2 दिन भी चुप रहना इज़ लाइक यू नो अ टास्क. सो आई थिंक लेकिन मैंने 2 दिन बहुत कोशिश करके चुप रही मैं, लेकिन ज़्यादा चुप नहीं रह पाई. आई थिंक 2 दिन आई मस्ट हैव फॉलोड. एंड आई थिंक उस 2 दिन के दौरान गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग में बुलाया, मुझे लंगर प्रसाद कराया, जिसमें हम सबको पता है कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है यू नो गुरुजी की लंगर प्रसाद में. दैट एक्ट्स लाइक अ मेडिसिन फॉर आवर बॉडी, मेडिसिन फॉर ऑल द डिजीजेज दैट वी हैव और वी माइट हैव. सो गुरुजी के अपने तरीके ब्लेस करने के. और उन 2 दिनों में मुझे सत्संग बुला के, लंगर प्रसाद करा के, यू नो आई थिंक मुझे नहीं पड़ी ज़रूरत 10 दिन चुप रहने की भी, बिकॉज समवेयर आई थिंक ही न्यू कि ये 10 दिन चुप नहीं रह सकती है. सो यू नो दैट इज़ हाउ यू नो ही ब्लेसेस. तो इट वाज अमेजिंग टू यू नो अगेन हैव वन ऑफ हिज अमेजिंग अमेजिंग ब्लेसिंग्स ऑन मी कि मेरी वॉइस आज जो आप सुन पा रहे हो और जो मैं भी बोल पा रही हूँ, इट इज़ ऑल गुरुजीज मेहर एंड गुरुजीज ब्लेसिंग. और मैं चाहती हूँ कि मेरी ये वॉइस और जिसको हम वाणी बोलते हैं वो सिर्फ गुरुजी के शुक्राने और उनके सत्संग में ही निकले. एंड आई थिंक समवेयर दिस इज़ द रीज़न व्हाई ही सेव्ड माय वॉइस. एंड यू नो 10 days की बजाय अकॉर्डिंग टू डॉक्टर 10 days अगर मैं चुप नहीं रही तो मेरी सर्जरी होगी. बट अगेन लाइक ही फेल्ड साइंस, गुरुजी कहते हैं साइंस को तो मैं फेल कर देता हूँ. तो उन्होंने साइंस फेल करी एंड यू नो आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन विद इन 2 days एंड आई डिडंट हैव टू बी क्वाइट. सो आई एम सो हैप्पी. सो जय गुरुजी एंड शुक्राना गुरुजी. बस अपने सत्संग में, अपने सिमरन में और ऐसी सेवा देते रहना टू यू नो शेयर, बिकॉज कहीं ना कहीं यही रीज़न होगा राइट. मेरी वॉइस एक बार नहीं, अगेन बहुत बार, आई थिंक ट्वाइस इट हैज़ हैपेंड, ऑलमोस्ट ट्वाइस आई लॉस्ट माई वॉइस. एंड दूसरी बार सिर्फ इसलिए था कि दूसरी बार एक्चुअली गुरुजी ना बहुत अमेजिंगली टेस्ट भी लेते हैं हमारे और हमें रिमाइंड भी कराते हैं अगर हमने सत्संग शेयर नहीं किया है या हमने अपनी ब्लेसिंग्स जो गुरुजी ने दी है अगर हम शेयर नहीं करते. तो आई थिंक सेकेंड टाइम व्हेन आई ऑलमोस्ट लॉस्ट इट, आई थिंक वो एक इंडिकेशन था मेरे लिए कि शेयर योर सत्संग, क्योंकि अगर ब्लेसिंग ही शेयर नहीं करी तो फिर मैं दोबारा कैसे ब्लेस करूँ यू नो. सो आई थिंक इट्स क्यूट द वे यू नो ही रिमाइंड्स मी कि हाँ मुझे यू नो थॉट भी वही डालते हैं लाइफ में से. तो इट वॉज ब्यूटिफुल ऑफ हिम एंड यू नो टू पुट दैट थॉट कि यू हैव टू शेयर नाउ योर वॉइस सत्संग, बिकॉज आई वॉज अगेन लूजिंग इट. तो मुझे लगा टाइम टू शेयर माई सत्संग ऑफ द वॉइस. सो उनके रिमाइंड कराने के तरीके, उनके ब्लेस करने के तरीके, उनके थॉट डालने के तरीके और उनके अपने ही तरीके से ब्लेसिंग, इट्स अमेजिंग अमेजिंग यू नो. सो जय गुरुजी फॉर दैट. ओके सो दिस वाज द वॉइस सत्संग. आई हैव सो मेनी सत्संग्स कि आई थिंक मैं आई कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन अबाउट हिज ब्लेसिंग्स, बिकॉज दे आर इन्यूमरेबल, दे आर अनलिमिटेड, हम कभी काउंट भी नहीं कर सकते. और हर एक सांस में सत्संग है लाइक आई से. सो गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है और सबसे बड़ी ब्लेसिंग आई थिंक संगत जी यही है कि बस गुरुजी ने जो मत दी है यू नो
हम सबसे पहले इंसान हैं, राइट? एंड ऑल गुरुजी वांट्स अस कि इंसान, यू नो, ही यूज्ड टू से बंदा वन. व्हाट इज़ बंदा? इंसान, यू नो. और एक बहुत इंटरेस्टिंग, आई थिंक गुरुजी ने मुझे इसका समझाया था बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, जब एक बारी मैं कोई शब्द सुन रही थी, उसमें एक व्याख्या आई थी, एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम शेयरिंग, मे बी गुरुजी वांट्स मी टू शेयर इट टुडे, वेयर दे सेड कि इंसान को कहा गया है बंदा, राइट? एंड गुरुजी उससे बंदा बनो, पहले सबसे पहले इंसान तो बनो, उसके बाद यू नो बाकी चीज़ें. इंसान को बनाया है गुरुजी ने, यू नो, भगवान जी ने, एंड सेंटर्स ऑन दिस अर्थ टू बेसिकली नथिंग बट टू लव ईच अदर एंड टू हेल्प ईच अदर. और कलयुग है, ऑफकोर्स माड़ा टाइम है, बहुत से लोग भटक गए हैं रास्ता, यू नो, इट्स अनफॉर्चुनेट. बट सबसे बड़ा यू नो इंसान होने का प्रूफ यही है, दैट वी आर हेल्पिंग ईच अदर एंड वी आर लविंग ईच अदर, यू नो, वी आर ब्रिंगिंग ईच अदर अप, एंड दैट्स ऑल यू नो व्हाट बीइंग ह्यूमन मींस. तो बहुत अनफॉर्चुनेट लगता है जब दिखता है कि इंसान इंसान ही नहीं है, यू नो, विच अगेन इट्स अगेन गुरुजी इज़ ब्लेसिंग एंड ग्रेस कि हम सबको वो मत गुरुजी दे रहे हैं, हम सबको उस सही पाथ पे रख रहे हैं जहाँ वी नो कि सबसे पहले इंसान, यू नो, इंसान होने का धर्म या इंसान होने का मतलब यही है, दैट वी आर स्प्रेडिंग लव, वी आर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, वी आर हेल्पिंग ईच अदर अप, यू नो, कि बहुत सिंपल लॉजिक है, यू नो, एंड आई ऑल्सो बिलीव इन इट कि आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो आप बुरा नहीं करें, आप अच्छा नहीं सोच सकते तो आप बुरा मत सोचो, आप कुछ मत करो, यू नो, बट एटलीस्ट डोंट गो डाउन टू दैट लेवल जहाँ पे जिस ब्यूटीफुल इंसान को भगवान ने बनाया है और हम उस भगवान, यू नो, की नज़रों में ही, हम अपनी नज़रों में ही, यू नो, इंसान ना रहे. नेवर एवर, यू नो, डू एनीथिंग लाइक दैट. एनी हाउ, कमिंग बैक टू दैट बंदा बन वाला व्याख्या, जहाँ पे वो बोलते हैं कि बंदा, सबसे पहले जो इंसान बने हैं वो बंदा क्यों बोला गया है, क्योंकि इंसान बेसिकली बना है बंदगी करने के लिए, किसी और की नहीं लेकिन भगवान जी की या गुरु जी की, यू नो, जिससे भी हम कनेक्टेड हैं. सो गुरु जी नेवर यूज टू से गॉड इज़ वन, एंड ही नेवर यूज टू, यू नो, कहते हैं ना कि कभी भेदभाव नहीं, बिकॉज गॉड इज़ वन, मतलब गुरु जी इज़ दी अल्टीमेट डिवाइन लाइट, ऑफकोर्स. सो जिससे भी हम कनेक्टेड हैं, अगर हम बंदा हैं तो बंदा बना है बंदगी करने के लिए भगवान जी की, और वही अगर हम भूल रहे हैं तो हमारी सांसें इन अ वे वेस्ट हो रही है, यू नो. सो ये भी अगेन गुरु जी की मेहर, अगर आज हम सत्संग कर पा रहे हैं, अगर हम अपने, यू नो, घर में बैठ के सत्संग कर रहे हैं, या हम गुरु जी की वडियाँ कर रहे हैं, या हम अपने भगवान जी की वडियाँ कर रहे हैं, सो ये भी मेहर है सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की और भगवान जी की. सो यू नो दैट्स अनदर, you know, thing that my guru taught me. Another satsang I would like to share, Sangat ji, was ek aur mera accident hua tha. I think it was in 2019, 3 saal pehle shayad, and I was coming back from Rajouri, and it was a little late in the night, so main drive kar rahi thi, aur again आई थिंक उस दिन भी मेरी जान पे लिखा था, आई वॉज नॉट सपोज टू बी अलाइव, क्योंकि कैसे होता है और गुरुजी कैसे बचाते हैं, यू नो, पता ही नहीं चलता. बट आप जब बाद में डॉट्स कनेक्ट करते हो और गुरुजी बताते हैं कि इट वॉज़ मी. अगेन आई मेट विद एन एक्सीडेंट, यू नो, जब मैं कार से आ रही थी, और संगत जी मेरी कार, मतलब मैं बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव कर रही हूँ, कोई मतलब कुछ भी नहीं. एंड अगेन लाइक दिस है ना कि कुछ तो उनको अगर कोई करना है तो टालते हैं, कैसे टालते हैं तुमको, या हमको कैसे बचाते हैं. सो मेरी गाड़ी हिट्स लाइक इट गोज़ ऑन टू द डिवाइडर, वो डिवाइडर पे चढ़ जाती है, कैसे चढ़ी आई हैव नो क्लू, बिकॉज मैं बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हूँ, मुझे डिवाइडर दिख भी रहा है, एंड आई नो दैट आई हैव टेकन अ लिटिल लेफ्ट, बट इट अपेरेंटली इट जस्ट गेट्स ऑन टू द डिवाइडर. और मेरी गाड़ी ऑब्वियसली बिकॉज रात का टाइम था, बहुत स्पीड में नहीं थी, तो बहुत हल्की भी नहीं थी, एंड आई वॉज ऑन अ डिवाइडर, और एकदम से मुझे लगा कि कुछ खड़खड़ खड़ हुआ है, बिकॉज डिवाइडर वॉज लाइक दिस. और मुझे इतना पता है कि गुरुजी की संगत जी मेरी गाड़ी ऐसे चढ़ी है डिवाइडर पे, और जहाँ मेरी गाड़ी रुकी है, बिकॉज यू नो आई डोंट नो हाउ आई बैलेंस्ड, और इट वाज नॉट मी, ऑफ़ कोर्स इट वाज गुरुजी हु बैलेंस्ड, और वो बिल्कुल वहाँ जाके रुकती है गाड़ी मेरी, जब तक मुझे समझ आता है कि हुआ क्या है, मेरी गाड़ी एकदम वहाँ रुकती है जिसके आगे डिवाइडर का हाइट बढ़ चुका था, एंड इट वॉज लाइक दिस बिग, यू नो, ऑन अ वेरी वेरी बिग हाइट. और सत्संग इसमें क्या था कि आई, यू नो, द गाड़ी स्टॉप्स एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है, ये हुआ कैसे है, मुझे समझ नहीं आया. बट उस दिन भी शायद कुछ बहुत बड़ा मेरी लाइफ पे लिखा था जो गुरुजी ने, यू नो, मुझे अगेन बचाया. सो देयर वर टू पीपल, यू नो, ऑन द बाइक, दो लोग थे जो रुके, और आई थिंक दो तीन लोग रुके, बट वो दो बाइक वाले जो थे, और मैं अकेली थी उस दिन भी रात को, आई रिमेंबर. सो संगत जी, इसमें भी छोटे छोटे सत्संग्स आई विल शेयर,
कि कैसे यू नो वो दो लोग आते हैं एंड देन व्हेन आई कम आउट अगेन आई वाज आउट विदाउट अ स्क्रैच. मेरी गाड़ी ऑब्वियसली अगेन चलने की हालत में नहीं थी बिकॉज वो डिवाइडर के बीच में खड़ी है और उसके आगे जहाँ वो रुकी है उसके आगे वो ऐसे था, अगर वो आगे जाती तो यू नो द गाड़ी वुड हैव बीन अप इन द एयर और मैंने नहीं बचना था ऑफकोर्स. एंड व्हाट आई गॉट टू नो बिकॉज वो दो लोग जो आते हैं बाइक से दे जस्ट केम एंड दे आर लाइक आर यू ओके आर यू फाइन एंड आई एम लाइक या आई एम फाइन यू नो मैं बिल्कुल ठीक हूँ. एंड देन दे टेल मी कि हमने ना बहुत एक्सीडेंट्स देखे हैं, पता नहीं है कौन सा मिरेकल हुआ आपके साथ आज या आपने कैसे इतने अमेजिंगली गाड़ी को बैलेंस किया है क्योंकि हम ना रोज़ ऐसे एक्सीडेंट्स देखते हैं, बहुत एक्सीडेंट्स हमने देखे हैं और आपका जो एक्सीडेंट था आपकी गाड़ी को कोई रोक ही नहीं सकता था जिस हिसाब से वो चढ़ी थी डिवाइडर पे, इसने ऊपर ही जाना था हवा में और नीचे गिरना था उल्टा होके, तो आपने नहीं बचना था. वी डोंट नो कि आपने कैसे बैलेंस कर लिया, यू नो ये कोई मिरेकल है जो आप बच गए हो. एंड ऑब्वियसली आई न्यू फ्रॉम इनसाइड ये तो गुरुजी हो सकते हैं अगर यू नो वो बोल रहे इतने कॉन्फिडेंटली कि ये तो हो ही नहीं सकता और आपने बड़े कमाल से बैलेंस किया. और मैं अंदर सोच रही हूँ मैंने किया या मेरे गुरु ने किया ऑफकोर्स. तो और रात का टाइम है संगत जी दिल्ली जैसे शहर में यू नो एंड वो दो लोग भी मुझे लगता है कि वो गुरु जी के भेजे हुए थे बिकॉज यू नो इतनी रात को आई एम अलोन एंड यू कॉन्ट ट्रस्ट एनीबडी. यू नो दिल्ली में वही कहते हैं कि यू नो गुरु जी की संगत कैसे मतलब लोगों को भी वो चुन के भेजते हैं यू नो फॉर हेल्प. सो वो दोनों खड़े हैं एंड देन दे आर आस्किंग मी कि यू नो आप किसी को बुलाना चाहते हो और मैं आई एम लाइक कि मैं किसको बुलाऊं. आई एम यू नो आई एम ट्राइंग टू थिंक कि मैं इतनी रात को किसको बोलूं. आई एम जस्ट थिंकिंग आई एम लाइक नहीं नहीं आई एल मैनेज बिकॉज आई ऑब्वियसली डिडंट वांट टू गिव स्ट्रेस टू एनीबडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और मुझे थोड़ा अंदर से ये भी था कि यार अब मैं इस टाइम किसको बुलाऊं और मैं बोलूंगी तो पहले टेंशन में आ जाएंगे तो लेट मी नॉट जस्ट डू दैट एंड आई एम थिंकिंग व्हाट टू डू. और मैं थोड़ा सा ऑब्वियसली आई वाज अ लिटिल यू नो ट्राइंग टू बी कि मतलब मैं उन पे भी कैसे ट्रस्ट करूं, बट मुझे था कि नहीं मैं मैनेज कर लूंगी यू नो. बट आई थिंक वो दोनों लोग भी गुरुजी के भेजे हुए थे उस टाइम पे रात को मेरे लिए. सो गुरुजी कैसे कैसे हर कदम कदम पे ख्याल रखते हैं. एंड देन दोस टू यू नो गाइस सेड टू मी कि नहीं नहीं कोई बात नहीं आप एक काम करो, आपकी गाड़ी तो अब चलने की हालत में है नहीं, अगर कोई नहीं है तो कोई बात नहीं हम एक काम करते हैं वील कॉल द क्रेन, क्रेन आपकी गाड़ी को ले जाएगी और आप कैब करके यू नो यू कैन जस्ट गो बिहाइंड द क्रेन, आप अपने घर तक चले जाना और डोंट वरी जब तक क्रेन नहीं आती है वी विल वेट. तो मुझे लगा कि ओके मैंने कहा और मैं थोड़ा सा ऑब्वियसली हेजिटेंट थी एंड यू नो दीज गाइज वर गुरुजी सेंट तो बहुत बहुत हेल्पिंग थे, बहुत अच्छे लोग थे. ऑब्वियसली गुरुजी का सब प्लान होता है एंड आई एम लाइक हाँ ओके. और इतने में यू नो वन ऑफ माय फ्रेंड्स यू नो ही कॉल्ड मी एंड ही आस्क्ड मी तू कहाँ है एंड देन आई हैड टू टेल कि वो मेरा ना एक्सीडेंट हो गया बिकॉज यू नो माय फ्रेंड्स वर चेकिंग कि घर पहुँची है नहीं पहुँची है. आई वाज लाइक कि नहीं वो थोड़ा सा एक्सीडेंट एंड यू नो अगेन दैट फ्रेंड ऑफ माइन बट जबकि मैंने उसको बोला कि नहीं नहीं तेरे आने की जरूरत नहीं है आई थिंक मैनेज हो गया कोई दो लोग हैं तो क्रेन बुला लिया. बट देन आई थिंक यू नो फ्रेंड्स आर फ्रेंड्स और रियल फ्रेंड्स भी वहीं पता चलते हैं. सो ही सेड नो 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 तू अपनी लोकेशन भेज आई एम कमिंग डोंट वरी आ जाएगी क्रेन तो भी वहीं पर रुकियो लेट मी कम. आई सेड ओके. सो यू नो अगेन उसने नहीं सुनी मेरी एंड ही केम रात को, मतलब हालांकि वो अपने घर पहुँच चुका था बट ही केम ऑल द वे अगेन कि नो जस्ट सेंड मी द लोकेशन आई एम कमिंग. मैं कुछ नहीं सुन रहा आई एम लाइक ओके जय गुरु जी. गुरु जी वॉज कॉन्स्टेंट इन माई थॉट. और उस रात को भी संगत जी जैसे दिल्ली में था मैं बाहर खड़ी हूँ, मतलब वो इतने अच्छे थे दो लोग कि मैं आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड तो दो चार जैसे गाड़ियाँ रुक रही हैं बट दे वॉज सो हेल्पिंग. दे सेड यू नो व्हाट आप ना एक काम करो आप गाड़ी में जाके बैठ जाओ, आप टेंशन मत लो हम यहाँ पे बैठे हैं एंड जब तक ट्रेन नहीं आती है वी विल वेट फॉर यू. तो हम कहीं नहीं जा रहे बट आप गाड़ी में बैठो आराम से, यू नो आप बाहर ऐसे मत यू नो खड़े रहो. सो आई वॉज लाइक दैट सो स्वीट यू नो एंड दैट्स अगेन गुरु जी सेंट पीपल. और गुरु जी हमेशा अपनी संगत के साथ होते हैं तो कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता यू नो. इसमें भी अगेन यू नो वो बाद में लगता है कि और बाद में क्या आई थिंक मुझे उसी टाइम समझ में आ गया था कि जिस तरीके से उन्होंने बताया मुझे कि आपकी गाड़ी तो ऊपर जाके इट हैड टू गो अप इन द एयर एंड कम बैक एंड क्रैश, तो आप कैसे बचे हो ये तो हमें भी नहीं पता बट ये कुछ तो मिरेकल है. सो यू नो उसी टाइम पता चल गया कि गुरु जी ने जान बचाई है मेरी दोबारा से. सो जय गुरु जी एंड शुक्राना गुरु जी. और हर एक सत्संग में वो छोटे 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 सत्संग जब यू नो मैं याद करती हूँ या मैं सोचती हूँ मुझे लगता है कि गुरु जी मतलब शुक्राने के लिए भी यू नो शब्द कम पड़ जाएंगे, आपकी वडियाई के लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास और पता नहीं कभी हम जस्टिस कर पाएंगे आपकी वडियाई करने में या नहीं. सो जय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी. एंड दिस वॉज अनदर सत्संग दैट हैपेंड. ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग हैं मेरे पास एंड I don't know if I have time, auntie. Have I taken too much of time or I can go on? Jai Guruji. Shukrana Guruji. किसी ने लास्ट वाले आई थिंक मुझसे फीड में पूछा था कि चेंजेस क्या आए हैं Guruji से जुड़ने के बाद. So I think I will just talk on that point. शुक्राने में रहना आ गया है, रब दी रजा विच राजी रहना सीख ले तो रब दी रजा विच राजी रहना आ गया है. एंड आई थिंक हम सबको ऐसा ही करना चाहिए कि यू नो
रब दी रज़ा में ही राज़ी रहना चाहिए, बिकॉज हमारे रब को ही पता है हमारे लिए बेस्ट क्या है, राइट? ओनली ही नोज़। और हम कभी कभी लगता है कि जैसे गुरुजी बोलते थे, मंगो नहीं मनो। आई थिंक आई ट्रूली बिलीव इन इट। थैंक यू वानू आंटी, ओके इफ आई कैन कैरी ऑन। सो आई ट्रूली बिलीव इन इट कि मांगना नहीं चाहिए, हमेशा सिर्फ मानना चाहिए। बिकॉज हम कहते तो हैं यू नो कि सरेंडर किया गुरुजी पे, सब छोड़ दिया, बट क्या सच में छोड़ा? क्योंकि जब यू नो वी आर आस्किंग समथिंग फ्रॉम आर गॉड, यू नो, एंड आई वॉन्ट टू शेयर दिस संगत जी, एंड आई एम श्योर, पता नहीं अगर आपने ये सुना होगा कभी या नहीं, बट मैं इसमें ट्रूली बिलीव करती हूँ कि हमें अपने भगवान जी से, गुरु जी से कभी मांगना नहीं चाहिए। बिकॉज बींग ह्यूमन्स हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है, राइट? हम कुछ भी मांग लेते हैं। और गुरु जी तो बोलते थे कि यू नो कोई असल चीज़ तो मांगना ही नहीं, किसी को असली चीज़ तो मांगनी नहीं आती। मतलब हम लोग शायद मटीरियलिस्टिक चीज़ों में फंसे रहते हैं, ये दे दो, छोटी चीज़ें मांगते हैं, यू नो, मतलब वो क्या है भगवान जी के लिए? तो वो ऐसे यू नो चुटकी का खेल है। मतलब चाहे कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ें की बात करें, या यू नो लोग आते हैं कि शादी नहीं हो रही है या बच्चा नहीं हो रहा है, यू नो, आई मीन इट इज़ सो स्ट्रेंज। एंड आई फील कि यू नो हम अपने गुरु को छोटा कर रहे हैं अगर हम ये सब लेकर उनके पास जाएं, बिकॉज गुरु के लिए ये सब मुश्किल नहीं है। बट क्या हमें पता है कि हमें हमारे लिए सच में क्या अच्छा है? नो। और अगर हमें पता ही होता तो फिर आज हम यहाँ थोड़ी होते। सो यू नो गुरु जी पे टोटल फेथ रखना चाहिए संगत जी। बिकॉज एक और बात मैं आपको बोलूँगी कि मांगना नहीं चाहिए, वाई? बिकॉज गुरु जी के लिए हम सब उनके बच्चे हैं, राइट? भगवान जी के लिए वी आर ऑल हिज किड्स, एंड ही लव्स अस ऑल अनकंडीशनली। मतलब उनको हम सबसे, मतलब हम सब उनके प्यारे हैं, वो हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, वो हम सबको खुश देखना चाहते हैं। सो अगर हम बहुत ज़्यादा मांगते हैं या ज़िद करते हैं, यू नो, तो गुरु जी को हमें देना पड़ता है। यू नो वो बोलते हैं मेरे से ज़िद ना किया करो, मेरे से ना मांगा करो, लेकिन अगर यू नो कई बारी यू नो अगर हम अपने अब खुद ही यू नो अगर हम पेरेंट्स पे ले बात, या हमारे ही बच्चे हैं और अगर वो बहुत ज़िद करते हैं, तो हम कई बार यू नो बीइंग अ पेरेंट यू नो लविंग देम, वी गिव देम, राइट? एंड वी डू गिव देम। लेकिन सेम इज़ विद भगवान जी एंड गुरु जी, कि अगर हम बहुत मांगते हैं तो वो दे देते हैं, बिकॉज अगेन वो हमें भी दुखी नहीं देख सकते, लेकिन एट द सेम टाइम वो हमारी ज़िद के कारण हमें देते हैं। लेकिन वो चीज़ या ना जो हमने मांगी है, वेदर इट्स गुड फॉर अस और नॉट, ये हमें नहीं पता, ये गुरु जी को पता है, यू नो। इसलिए वो बोलते थे कि तुम्हें नहीं है अगर अक्कल मांगने की, जो हमें नहीं है संगत जी, हम इंसानों को नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है, तो हम कैसे अपने गॉड पे डाउट कर सकते हैं? यू नो ही नोज़ द बेस्ट फॉर अस, क्योंकि उन्होंने तो हमारे पिछले पास्ट लाइफ, दिस लाइफ, फ्यूचर लाइफ, सारे कर्माज देखे हैं, राइट? ऑल द कर्माज ही नोज ऑल आर लाइफ टाइम, कि हम कहाँ से क्या क्या फेस करके आ रहे हैं, राइट? सो बेसिकली यू नो वी शुड नेवर आस्क, बिकॉज वो हमें दे तो देंगे, लेकिन फिर वो चीज़ हमारे लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है हम सोच भी नहीं सकते, यू नो। एंड देन उसके बाद जब वो उस चीज़ से हमें दुख होता है आगे जाके, या कुछ भी होता है, यू नो, देन वी अगेन कंप्लेन टू गुरु जी। सो गुरु जी इज़ नॉट, अर गॉड इज़ नॉट द वन टू बी ब्लेम्ड, इट इज़ अस टू बी ब्लेम्ड टू इवन आस्क और क्वेश्चन आर गुरु जी कि मतलब यू नो हम कैसे मांग सकते हैं। इट्स इन अ वे मुझे लगता है कि वी आर ट्राइंग टू टेल भगवान जी कि मतलब यू नो इन अ वे आई विल पुट इट इन दिस वर्ड्स कि क्या भगवान जी को नहीं पता कि हमें क्या देना है? यू नो वुडंट ही नो द बेस्ट फॉर अस? ओनली ही डज, यू नो। सो नेवर एवर डू द मिस्टेक ऑफ आस्किंग और थिंकिंग कि उसको नहीं पता होगा कि कब क्या देना है। सो उसकी टाइमिंग्स और उसका देना will be the best, you know, and is the best always. So I believe in that. And request सिर्फ यही कि संगत जी बहुत बारी भूल चूक करके इंसान है मांग लेते हैं, लेकिन मांगना नहीं चाहिए, बिकॉज फिर गुरु पे भरोसा कैसा? क्योंकि जब वो देगा और जो वो देगा, यू नो, वही हमारे लिए बेस्ट है, यू नो, दिस इज़ द वे टू लिव। एंड ये भी गुरु जी की महिमा या गुरु जी की मेहर की इतनी मत भी यू नो दी है टू स्टे इन हिज विल, यू नो, हिज वे एंड हिज विल। सो खुश रहें संगत जी, बिकॉज दैट्स वट गुरु जी वॉन्ट्स, कि हम बस जिंदगी जो है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पल पल शुक्राना और पल पल सिर्फ इस जिंदगी को पूरी तरह जिए, यू नो, अच्छी सोच रखें, अच्छे कर्म करें, हेल्प करें लोगों की, यू नो, प्यार बांटें, बिकॉज दैट इज़ वट ट्रू गुरु संगत इज़ ऑल अबाउट, यू नो, टू लिटरली स्प्रेड लव एंड हेल्प वेर एवर वी कैन, यू नो। Another thing that, you know, Guruji used to say, and I also believe, is ki gupt daan and gupt paat. Agar kisi ki help kari hai, so no need to tell also, Sangatji, because kyu batana hai, you know? Wo jo hai, you know, jo upar baithe hai, jo Guruji baithe hai, unko pal pal ki khabar hai ki kaun kaisa hai aur kaun kya kar raha hai, you know? So just
just surrender to him, you know, leave everything on him and trust you me, Sangat ji. अगर गुरु जी पे डोर छोड़ दिया ना तो वो ऐसी लाइफ देते हैं या ऐसा बना देते हैं कि दुख आएंगे तो ज़रूर, इट इज़ नॉट कि दुख नहीं आएंगे, बिकॉज लाइफ इज़ अ सर्कल ऑफ यू नो हैप्पीनेस एंड सैडनेस, वो अप्स एंड डाउन्स चलेंगे जो कि ज़रूरी भी हैं, बट वो ऐसे करके हाथ, वो कहते ना हाथ दे के ऐसे करके निकाल लेंगे उन दुखों से भी कि पता भी नहीं चलेगा कि दुख थे भी, यू नो. सो ही इज़ ऑलवेज देयर सेलिंग अस वेरी वेरी स्मूथली, you know, from the times and from all these hard times and tough times that come into our life. So always, always be in Shukrana. And right now also I would say that, you know, ek, wala, bahut sare satsang mere abhi chal rahe hain in the process, to aagya nahi hai share karne ki, but I think jab bhi complete honge, I will definitely share, you know, all my satsangs aur, और भी बहुत सारे सत्संग, और अगर गुरुजी की यू नो बहर होगी एंड यू नो इफ़ आई गेट दिस मौका अगेन एंड इफ़ आई गेट दिस सेवा अगेन, आई विल डेफिनेटली डेफिनेटली कम बैक अगेन विद मोर सत्संग एंड विद मोर मैसेजेस. सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. मुझे नहीं पता अभी भी कि मेरे पहले वीडियो का क्या हुआ है, वो पोस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब अगेन गुरुजी की रजा एंड गुरुजी की इच्छा. सो जय गुरुजी. एंड कुछ और अगर यू नो इफ यू गाइस वांट टू आस्क मी, बिकॉज एक अंकल ने पूछा था तो मैंने बताया कि चेंजेस क्या फील हुए, तो आई थिंक शुक्राने में रहना सिखा दिया है गुरुजी ने, और शुक्राने में ही रहना सीखें, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, शुक्राना करना नहीं भूलना है, हमेशा सेवा सिमरन और सत्संग, यू नो दैट इज़ द पाथ एंड दैट इज़ द ओनली पाथ दैट इज़ गोना यू नो टेक अस आउट ऑफ दिस भवसागर. और you know, Jai Guruji, Sangat Ji, thank you so much for, you know, joining, thank you so much for listening, and I hope kuch bhool chuko to maafi Guruji, I'm so sorry, but just want to say that thank you so much Sangat Ji, and thank you so much Guruji for giving me this mauka to share, thank you Anu Aunty, thank you Taruna Aunty, for ki mujhe is layak samjha Guruji ne bhi ki main ye seva kar paun satsang share karne ki. So Jai Guruji and Shukrana Guruji. I think this will be all for today, and I will definitely come again if Guruji wants me to. So thank you so much. Jai Guruji, Shukrana Guruji, Sangat Ji, lakh lakh Shukrana.